श्री राधे। तो आइए आप हम सभी मिलकर चलते हैं दिव्य मंगलमय आरती की ओर। आरती से पूर्व आए हुए सभी भक्त प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर दिव्य मंगलमय आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोच्चारादगंधक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता स्रोत्राद्वायुश्च व्राणश्च मुखाम् अग्निराजायता। बस पा
पाद वंदनम आरोग्यार्थे आत्मपाद वंदनम अंदर पुष्पांजलि ओम देवो शांतिर अंदर जिगुं शांतिः पृथिवे शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनजवदयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्मदान्तिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः हरिः ओम जदनेन जदनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्या शन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्द चित्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नाशुकः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्जे पुनः गजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पाजलिम समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता के, गौ शिवा धाम के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम निताय गौर हरि वो। श्री राधे राधे राधे। तो आइए समस्त यजमान परिवार वालों से निवेदन है, आप सभी अपना यथास्थान ग्रहण करें और आप हम सभी का परम सौभाग्य जो कि आप हम सभी के मध्य में पूज्य देवी जी का आगमन हुआ है, तो आइए आप हम सभी मिलकर पूज्य देवी जी से निवेदन करते हैं कि आप हम सभी के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हुए प्रथम दिन की कथा को श्रवण कराएं। आप सभी के अमंगल निवारण हेतु श्री मंगलाचरण के साथ पूज्य देवी जी। भगवते कृष्णा
Krishna, Krishna, Hare, Hare.
हरे राम हरे राम राम हरे आइए सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन का गान करेंगे हरे हरे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे गोविंद सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बो। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए समस्त हरिभक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। श्रीमद्भागवत कथा का आज आरंभिक प्रथम दिवस, श्रीमद्भागवत अपने आप में ही एक कृपा है भगवान की, किंतु वही भागवत जब किसी श्रेष्ठ भूमि, श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ धाम में होती है तो उस भागवत का कहना और सुनना दोनों का ही रस कई गुना बढ़ जाता है। तो आज सुनने वाले कहने वाले दोनों का ही ये सौभाग्य है, और विशेषकर मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए एक इतना सुंदर धाम इस्कॉन केवल एक संस्था नहीं है, अपितु महाप्रभु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रभुपाद जी ने एक आवाहन आरंभ किया, एक क्रांति आरंभ की, आज वो क्रांति पूरे विश्व में, हर नगर में, हर शहर में, श्री चैतन्य चरितामृत कहती है, पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे अमर नाम। महाप्रभु का कहना है कि जितने भी धरती पर शहर हैं, गांव हैं, देश हैं, उस सब जगह विश्व के कोने कोने में प्रचार होगा किसका नाम? कृष्ण नाम, महाप्रभु का नाम। तो उसी संदेश को प्रभुपाद जी ने जन जन तक पहुंचाया। तो जब मुझे पता लगा कि यहाँ कथा होने जा रही है, समय बहुत, ये कथा बहुत पहले से निश्चित नहीं थी, शायद महीने भर पहले ही निश्चित हुई थी। हम लोग सब लगातार कई महीनों से कथाओं में चल रहे हैं और आगे भी कई महीने लगातार कथाएं हैं, बस ये 7 दिन खाली थे। तो शायद हमारे जो संग वाले हैं, ये तो कई कई महीनों से घर नहीं गए, तो सबका तो भाव था ही कि ये समय खाली रहेगा, और शायद ये कथा कहीं और होती तो शायद, कह सकते हैं, अब हरी इच्छा तो प्रभु जाने,
पर शायद मन में आ जाता कि नहीं, 7 दिन तो सब थोड़ा, लेकिन जब कहा कि इस्कॉन के मध्य में ये कथा होने जा रही है तो मेरे मन में भी लालच आ गया कि ये सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता, समय भी है और भगवत कृपा भी खींच रही है, बुला रही है, तो ना कहने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। तो ऐसे विधान बनते बनते आज भगवत चरणों में बैठ करके भागवत जी का हम सभी श्रवण पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं और प्रयास करेंगे कि इन 7 दिनों में, देखो जैसे एक दुकानदार चाहता है ना कि एक अच्छा कस्टमर आए, खरीदने वाला आए, बस बातें बनाने वाला ना आए। अधिकतर क्या होता है, कुछ कस्टमर न लेना न देना, वो बस टाइम पास करने पहुंच जाते हैं, विशेषकर माताएं। वो जा करके कहेंगी भैया ये कितना कपड़ा, कितने का साड़ी, कितने की, वो भैया बताएगा इतने का, तो बोलेगी अरे कल आई थी तो इसकी आधी रेट में देखी थी। वो कहता है बहन जी भगवान से डरो, दुकान ही आज खुली है, आप कल कहाँ से आ गई। पर समय कई लोग के पास कुछ ज़्यादा ही होता है तो वो इधर उधर करते रहते हैं, इसके वहाँ चले गई। पर एक जब दुकानदार को पता लग जाए कि नहीं ये ग्राहक खरीदने वाला है तो उसको दिखाने में भी मज़ा आता है। ठीक उसी तरह कथा व्यासपीठ पर जो बैठा है और जब उसे पता चले कि सामने जो बैठे हैं वो सब भगवत भक्त बैठे हैं, वैष्णव जन बैठे हैं, भगवान के प्रिय सब जितने भी हैं भगवत प्रिय हैं, माथे पर प्रभु का ऊर्ध्वपुंड लगा है, चरण चिन्ह विराजमान है, हाथ में हरिनाम की माला है, और ये बस यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, ये वास्तविकता में यहाँ कुछ पाने, कुछ समझने, कुछ पीने, इस उद्देश्य से कथा सुनने आए हैं। तो कथा कहने वाले का भी बड़ा आनंद बनता है और मुझे आज उसी की अनुभूति हो रही है। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले जो 7 दिन होंगे आप सब बड़े आनंद से सुनेंगे और मैं उस आनंद से, उस विश्वास के साथ इस भागवत के रस को आप तक पहुंचा सकूं, अपने जीवन में भी उतार सकूं, ऐसा हम प्रयास यहाँ 7 दिन करने जा रहे हैं। जोहरी परिवार जो इस कथा के भागीरथ बने, हेतु बने, आप श्री ने मुझे बताया कि ये कथा कोविड से पूर्व निश्चित हो चुकी थी, तारीख भी निश्चित हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो तिथि आगे बढ़ी और पूज्य जो बाऊजी माताजी श्री रामस्वरूप जी और श्री मधु जोहरी जी, जिनकी स्मृति में भाव उनका था, संकल्प उनका था, और संकल्प जब एक ले लिया जाता है तो प्रकृति उस संकल्प को पूरा अवश्य करती है, और आज उनके पुत्र पुत्री पोत्रादि सभी जितने भी परिवारजन हैं उनके उस भाव को उन्होंने पूरा किया और आज यहाँ उन्हीं की स्मृति में ये श्रीमद्भागवत कथा का आरंभ हो रहा है। तो ये तो थोड़ा सा परिचय हो गया। पहला दिन तो देखो ऐसे ही होता है, पहला दिन तो ज़्यादा भागवत की चर्चा, तो जैसे पहले दिन तो स्कूल में पढ़ाई थोड़ी होती है, पहले दिन तो टीचर सबरे स्टूडेंट का एक एक करके नाम पूछते हैं, फिर बच्चों की लाइक्स लाइकिंग्स पूछते हैं, किताबें बताई जाती हैं। तो आज भागवत का परिचय है, भागवत का महात्म्य है। किसमें सामर्थ्य हो सकती है इतनी कि भागवत की महिमा को अपनी जुबा से, अपनी वाणी से कह सके। महापुरुषों का कहना है कि एक पत्ता तब तक ही सुरक्षित रहता जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, पेड़ से अलग होते ही उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता,
वो हवा के प्रवाह में बहता है, यहाँ कहीं गाड़ियों के नीचे आता है। एक पत्थर तब तक सुरक्षित सेफ रहता है जब तक पहाड़ से जुड़ा है, अलग होते ही वो कहीं ना कहीं सीढ़ियों में लगा देंगे, दीवार में लगा देंगे, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता। तो जिस तरह एक पत्ता की सुरक्षा पेड़ से जुड़कर है, एक पत्थर की सुरक्षा एक पहाड़ पर्वत से जुड़कर है, उसी तरह एक मनुष्य तब तक सुरक्षित है जब तक वो हरि कथा से जुड़ा हुआ है, सत्संग से जुड़ा हुआ है। सत्संग से दूर हुआ तो क्या होगा? बैठी है माया मुंह फैलाए, जैसे नाग हमेशा फन फैला के बैठता है ना, माया हमेशा तैयार रहती। कभी ये सत्संग से दूर हुआ, कभी इसने लक्ष्मण रेखा पार करी और कब मैं पकड़ू? रावण कब तक नहीं घुस पाया अंदर? कब तक नहीं घुस पाया? जब तक लक्ष्मण रेखा थी। जाने की कोशिश भी करता, पैर अंदर रखता तो जलने लगता, लेकिन जब उसने माता जानकी को बाहर बुलाया लक्ष्मण रेखा पार करके, तब उसमें यह सामर्थ्य आया कि वो जानकी का हरण कर सके। लक्ष्मण रेखा हम सब के जीवन में है और वो है सत्संग, वो है हरि कथा। उसको लांघते ही, उसको पार करते ही माया हमारा हरण कर लेती है, माया हमको चुरा लेती है। अब माया में घूमते रहेंगे, माया में भटकते रहेंगे, डोलते रहेंगे। इसलिए हरि कथा की, भगवत कथा की जो रेखा है, इससे हमेशा हर आदमी को जुड़े रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा हम कर रहे हैं, पर बीच बीच में उदाहरण तो हर ग्रंथ से लेना पड़ेगा, और श्री भगवत गीता तो हम सबका जीवन का आधार है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतित। भगवान कह रहे माया किसी को भी नहीं छोड़ती, देवी हवेशा गुणमयी मम माया। और अचंभे की बात देखो, कृष्ण कह रहे मेरी माया, मम माया, इसका मतलब क्या है? माया बनाई किसने? माया का मायापति कौन है? साक्षात कृष्ण है। तो कृष्ण कह रहा है अगर माया मेरी है तो यानी मेरी को कंट्रोल कौन कर सकता है? जो उसका मालिक होगा। तो माया का मालिक है मायापति श्री कृष्ण। तो अगर माया से बचना है तो किसके चरण पकड़ने पड़ेंगे? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतीते। श्री कृष्ण ने इसका उपाय, सल्यूशन भगवद गीता में दिया। बहुत समय पहले एक अनाज को पीसने का एक सिस्टम होता था, चाकी, जो चाकी पे पीसा जाता है, कभी देखा हो आप लोगों ने? पता नहीं भैया, दिल्ली वालों क्या पता ना देखा हो? हाँ तो तुरंत जवाब दिया करो। तो चाकी जो होती है, और नहीं देखा हो तो घर जाके गूगल बाबा जिंदाबाद वहां देख लेना। तो जब चाकी होती है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, दो पत्थर होते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कोई साबुत नहीं बचता। जैसे उसमें अन्न डालते हो पूरा पीस देती है, पर फिर भी बचता, जानते हो कौन सा अनाज का दाना? उस अनाज के दाने में जो डाला जाता है, उसमें चाकी में साइड में थोड़ा सा स्थान जगह होता है, उसमें दो दो पांच दाने जो गिर जाते हैं, वहां जाकर के जगह बना लेते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं। चाकी चलती भी रहेगी,
सब पिसते भी रहे पर वो बच जाए। तो वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं माया की चाकी चल रही है जगत में, दुनिया में, सब दुनिया इसमें चाकी में पिसती जा रही है, और बचेगा कौन जो उस दो चार अनाज के दाने की तरह चुपचाप साइलेंट मोड पर, पता भी ना चले कि हम यहाँ छुपे, एकदम चुपचाप वहाँ बैठा रहे, जो एकदम श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के एकदम कोने में बैठा है ना, चाकी माया की चले सारी दुनिया पिसे, पर कृष्ण कहते हैं जो मेरा शरणागत होगा उसको माया कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाएगी। क्योंकि कृष्ण ने जिसको ठान लिया वो बचाने की, उसको कौन मार सकता है। भगवान ने आदेश दे दिया माया को, सावधान, तूने अगर मेरे भक्त को छुआ भी, माया बनकर के आई स्वामी श्री हरिदास ठाकुर के पास, वैश्या माया ही थी, श्री हरिदास, श्री हरिदास ठाकुर जिनको नामाचार्य कहा जाता है, 300,000 नाम जब नित्य प्रति श्री हरिदास ठाकुर महाशय क्या करते थे, वैश्याई आकर के बोली मेरा अंग संग कर लो, श्री हरिदास ठाकुर बैठे देवी कर लूंगा और मेरा नियम पूरा हो जाए तो थोड़ी देर बाहर बैठ जा दरवाजे पर, जैसे नियम पूरा होता सो मैं बुला लूंगा तुझे भीतर। तो बोली कोई बात नहीं, शाम हो गई, शाम को से लगा अब नियम पूरा होगा, पर महापुरुष तो ऐसे होते हैं महाराज, उनका एक सेकंड, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता, एक दिन का आज का जो उनका नियम था वो पूरा होने ही वाला, 6 बजे, 6:01 पे दूसरे दिन का चालू हो गया। 3 दिन तक वो वैश्या बाहर बैठी रही इंतजार में श्री हरिदास ठाकुर को, और फिर अंत में जब श्री हरिदास ठाकुर की कृपा हुई तो उसी के कान में मंत्र दे करके उसको अपना बना लिया। तो बताइए माया, भगवत जो प्रेमी होते हैं ना, जो भगवत जन होते हैं, उनको माया कभी नहीं छू सकती, कभी नहीं स्पर्श कर सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, तुम एक बार मेरी शरण में आओ तो, मेरे चरणों को पकड़ो तो। और श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण के चरणारविंदों से मोह कराने के लिए, इस दुनिया में एक बहुत ही आध्यात्मिक मार्ग में ये शब्द बड़ा विरोधाभासी है, मोह। संतों के पास जाओ एक ही बात कहते, मोह से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो, मोह माया बड़ी खतरनाक है। पर सोचो अगर यही मोह जो हमारा संसार से है, भागवत जी इसको एकदम पूरा टर्न करा करके इस मोह को कृष्ण से जोड़ दे तो। भागवत क्या है, भागवत गठबंधन ही तो है, गठजोड़ी तो है। हमारा जो मन का जो रिश्ता है, मन की जो डोरी है, वो अब तक संसार में बंधी है, उसको खोल के बस अब ठाकुर जी के पीताम्बर से बांधना है, ठाकुर जी के चरणों से बांधना, यही भागवत है, यही श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य है, और यही भागवत करती है। भागवत श्री कृष्ण का परिचय करा करके श्री कृष्ण से जोड़ने का काम करती, संबंध ब्रिज बनाने का काम करती। पता है भजन करना चाहिए, पता है भगवान का नाम लेना चाहिए, या कौन ऐसा बैठा है जिसको नहीं पता कि भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, सब रे जानते हैं, जानते हो तभी यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप काय को यहाँ ठंड में आकर के कथा सुनने आते, आप भी कहीं दिल्ली में कहीं दूसरी जगह घूम रहे होते, पता है। पर फिर भी जो मन चाहता है ना कि बस भगवान में लग जाए, भगवान में रम जाए, उसको पाने के लिए हमें लगातार महापुरुषों का संग और हरि कथा का आश्रय, ये करते करते फिर धीरे धीरे नाम में रुचि बढ़ेगी, नाम में रुचि बढ़ेगी, नाम बढ़ते बढ़ते, ये तो जानते ही, अब यहाँ वो कहावत है ना कि मामा के बैठ के ममिहाल की, ननिहाल की क्या वो महिमा गाएं, नाम की महिमा तो कौन गा सकता है, बता सकता है। एक नाम, एक कृष्ण नाम जो साक्षात भगवान के दर्शन कराने की सामर्थ्य रखता हो, तो फिर नाम में रुचि आएगी तो फिर भगवत प्राप्ति होगी।
तो यानी कि सीढ़ी की जो शुरुआत है वो हरि कथा से होगी, वो भगवत कथा से होगी। तो आप हम सभी यहां कथा में बैठ करके अपने हृदय में छुपी हुई भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसको उसको निकालने का प्रयास करें। श्रद्धा है सबके हृदय में, प्रेम है सबके हृदय में। हम कल रात को बरसाना गए थे, तो बरसाना में बाबा रहते हैं, शायद जो भगवत भक्ति मार्ग से जुड़े हैं वो तो सब लगभग जानते ही होंगे, पूज्यपाद श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज। तो उनका दर्शन किया, थोड़ा सत्संग हुआ, बाबा तो नित्य प्रति सत्संग करते ही हैं, और जब हम भी जाते बड़ा लाड़ करते हैं, बड़ा दुल सबके ऊपर है, कोई एक व्यक्ति विशेष पर नहीं है, तो हमको मौसी बोलते हैं। एक तो बंगला भाषा में ज़्यादातर कोई कन्या होती तो उसको मौसी कह के बुलाया जाता है। तो वो पूछे कर कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मन में तो आ जाता, पर कभी कभी क्या होता ना, महापुरुष के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपनी एक वाणी बोलेंगे तो पता उस समय नहीं चलता कि हम सही बोले गलत बोले। महापुरुष के सामने थोड़ा जितना मौन रहो, बस श्रवण करो उनके बारे में। तो हम थोड़ी देर चुप ही रहे, तो फिर बाबा बोले कि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रेम प्राप्ति। जब तक भगवत प्रेम नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। भगवत प्रेम तो पाना ही पड़ेगा, भगवत प्रेम को पाए बगैर कोई भी मनुष्य जीवन सार्थक नहीं बना सकता है। और भगवत प्रेम कहाँ से मिलेगा? भगवत प्रेम मिलेगा जब आप उनके चर्चा उनकी कथा सुनेंगे तो प्रेम की जागृति होगी। मन में प्रेम जागेगा, मन में श्रद्धा जागेगी, मन में आनंद जागेगा। अरे कथा कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है, इसने समाज में इतनी बड़ी क्रांति ये भगवान का सत्संग कथा लेकर के आई है जो हम सोच भी नहीं सकते। कितनों का जीवन बदल दिया इस कथा ने, हम सपने में भी स्वप्न में नहीं सोच सकते। कितने लोगों का जीवन इस कथा ने प्रेम से जोड़ दिया। तो उसी भगवत प्रेम को पाने के लिए कथा सुननी है, और कथा का दूसरा कोई उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। जैसे हम अक्सर पूछते हैं कथा में कि भाई कथा सुनने आए हो, तो सब बोलते हाँ जी। तो कथा सुनने आए हो तो क्या चाहिए? तो लोग बोलते हैं मुक्ति, कथा सुने मुक्ति मिल जाए। कोई कहेगा कथा सुने हमको खूब पुण्य मिल जाए, क्योंकि अक्सर लोग मानते भागवत सुनने से पुण्य मिलता है। बोले ये सब तो बाय प्रोडक्ट है भागवत जी के, ये तो बिन कहे भी अपने आप तुम न भी कहोगे तो भी मिल जाएगा। पर भागवत जी के चरणों में बैठ करके ये कहो कि गोविंद से हमारा नाता जोड़ दे, हमारा श्री राधा रानी से संबंध जोड़ दे, रिश्ता जोड़ दे, ये भागवत कथा देगी, ये कोई और नहीं दे सकता। ये अन्य पुराणों में भी सामर्थ्य नहीं। हम ऐसी मन मौजी बात नहीं कह रहे कि भाई, अब वो आदमी कहता ना कि कोई अपनी छाछ को खट्टी थोड़ी बताता है। सब कहेंगे जी हमारा, हम जो कह रहे हैं वो भागवत जी सबसे बड़ी, पर हम नहीं कह रहे। व्यास जी जब 17 पुराण लिखने के बाद भी मन में बेचैनी दूर नहीं हुई, तो नारद जी ने आके कहा आपने 17 पुराणों में निष्काम भक्ति बताई कहाँ है? कथम बिना रोम हर्षम द्रवसा चेतसा बिना, कथा सुन करके जब तक रोम रोम खड़े ना हो जाए, आंख से अश्रु पुलकित, आंख से अश्रु ना बहे, तब तक उस कथा में प्रेम नहीं है। तो बताइए आपने ऐसी कौन सी कथा अभी तक लिखी 17 पुराणों में? व्यास जी ने कहा बात तो सही। नारद जी ने कहा तो एक अन्य पुराण फिर रचना करिए,
उसमें प्रेम की चर्चा करिए, उसमें भक्ति की चर्चा करिए, उसमें भगवान को पाने का रास्ता बताइए, सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे भगवान तक पहुंचा जाए वो बताइए, तब जाकर के ये भागवत श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है इसकी रचना हुई। तो ये भागवत वास्तविकता में भगवान तक पहुंचाने का, भगवान का दर्शन कराने का सामर्थ्य हमें रखती है। यही भाव लेकर के विगत 7 दिनों तक हम यहाँ बैठ करके हरि चर्चा करेंगे, भगवत कथा का श्रवण पान करेंगे। भागवत जी के अलावा भी अन्य पुराण शास्त्र जो भी थोड़ा बहुत भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से बुद्धि में स्मृति में आएगा तो उदाहरण के रूप में उन सब को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज है भागवत का महात्म्य। महात्म्य मतलब महात्म्य की इस कथा की महिमा क्या है। वैसे तो परिचित सब लोग होते ही हैं, पर फिर भी एक परंपरा है भागवत जी की कि प्रथम दिन भागवत का महात्म्य बताइए, ताकि जिसको नहीं भी पता है वो भागवत की महिमा को समझे। और जमाना भी कुछ ऐसा, यहाँ पर लोग आजकल ऐसे ही हैं कि पहले कोई भी संत के पास जाएंगे, कोई भी धाम में जाएंगे तो पहले वहाँ की, वहाँ पर इच्छा कितनी पूरी होती है वो जानेंगे। जैसे अक्सर क्या होता है, जैसे किसी को पता चल जाए कि भाई यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक इच्छा पूर्ति हनुमान जी का मंदिर है तो सब वहीं जाएंगे इच्छा पूर्ति करने के लिए। अब यहाँ से 400 किलोमीटर के बीच में चाहे कितने ही हनुमान मंदिर आ जाए वहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि इच्छा तो वही वाले हनुमान जी पूरी करते हैं, तो सीधा वहीं जाएंगे, रास्ते में कोई लेना देना नहीं। पर भैया भगवानों को तो कम से कम इस स्वार्थ से दूर रखा करो, भगवानों को तो इस सब झमेले में मत फंसाओ कि जहाँ इच्छा पूर्ति हो वहीं जाएंगे, जहाँ मन्नत के धागे बनेंगे वहीं जाएंगे। इसलिए थोड़ी ना भगवान हमारे हैं, भगवान तो प्रेम करने के लिए, भगवान तो लाड़ करने के लिए। इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो क्या प्रेम करना छोड़ दोगे उनसे? भगवान तो प्रेम के लिए बने, प्रेम करिए उनसे। पर हमने देवियों को, देवताओं को, सबको बस इच्छा पूर्ति का केंद्र बना दिया है। जब तक इच्छा पूरी हो रही तो ठीक, और नहीं होगी तो, नहीं होगी तो क्या करेंगे? दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। अरे हम 33 करोड़ देवता वाले लोग हैं, एक नहीं बनाएगा काम तो दूसरे पे चले जाएंगे, तीसरे दिन तीसरे पे चले जाएंगे। पर ये लक्षण है संसारियों का, प्रेमियों का नहीं। प्रेमी तो चाहे इच्छा पूरी करे न करे, सुख दे दुख दे, वो साथ नहीं छोड़ेगा, वो संग नहीं छोड़ेगा। तो कोई कोई भी किसी भी धाम में जाता है, तीर्थ में जाता है, उद्देश्य होना चाहिए हरि प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। उसके अलावा कुछ भी सोचा घाटे का सौदा है, बड़े घाटे का सौदा है, पर हम मानते नहीं। हम कई बार कथा में सुनाते हैं, हमने भी सुनाई है, किसी से गए तो नहीं आज तक, पर गुजरात में एक अहमदाबाद है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। उस हनुमान जी के मंदिर का नाम है वीजा हनुमान। वीजा हनुमान क्यों नाम है? बोले वहाँ की मान्यता है कि जिसको वीजा ना लग रहा हो तो हनुमान जी के मंदिर चला जाए और पासपोर्ट दिखा दे ऐसे सामने से, तो हनुमान जी पासपोर्ट वीजा लगवा देंगे। तो अब जरा विचार करो, मतलब वो कभी कभी लगता हनुमान जी बेचारे सर पकड़ के रोते होंगे, ये बताओ। ये हैं कलयुग के लोग। हमारे पास इसलिए आना चाहिए कि हमारा नाता राम जी से जोड़ दो, हमारा संबंध माता जानकी से जोड़ दो, और ये हम पे यहाँ बैठा कर के वीजा पे स्टैंप लगवा रहे। कोई हनुमान जी ने एम्बेसी थोड़ी खोल रखी है, तो अच्छी खासी मान्यता है, जाते हैं लोग मंदिरों को तीर्थों को। केवल इच्छा पूर्ति का केंद्र नहीं बनाना हमको, वो तो अपने आप हो जाएगी,
और ना भी हो तो कौन सी भाग दौड़ है, कौन सी चिंता है। जब प्रेम हो जाएगा ना भगवान से, तो उनकी रजा में अपनी रजा, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी, ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां अनाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। तो संसार की इच्छा पूर्ति करना भागवत के लिए बड़ा चुटकियों का खेल है। भागवत कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के ये सोचोगे ना, शेर आके खाया मुझे तो खा ही जाएगा, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है। भागवत जी के नीचे, भागवत जी की शरण में बैठ के जो मांगोगे भागवत जी देंगी। कोई पैसा मांगेगा तो पैसा भी दे देंगी, कोई सफलता मांगेगा सफलता दे देंगी, पर समझदार वही होगा जो भागवत जी से कहेगा, अगर सचमुच कुछ देना चाहती हो भागवत जी तो श्री कृष्ण की गोद में हमें पहुंचा दो, उनकी शरण में, उनके चरणों में हमें पहुंचा दो, उनसे हमारा संबंध जुड़वा दो, उनसे हमारा रिश्ता जुड़वा दो। और तब भागवत जी कृपा करती है, तब भागवत जी अपनाती है। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य बड़ा ही सुंदर है, मंगलकारी है। भागवत जी के महात्म्य कई सारी उपाख्यान आए हैं, दृष्टांत आए हैं, जिससे भागवत की महिमा श्रवण कराई गई है। तो आइए भागवत के महात्म्य सभी प्रवेश करेंगे। भागवत जी का प्रथम श्लोक सभी साथ में पाठ करेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हे कृष्णा
सच्चिद आनंद, इन तीनों शक्तियों में बहुत बड़ा संबंध है। सत जो शक्ति है उससे परे है चिद, चिद शक्ति से जो परे है, जो समाया हुआ है, वो है आनंद। और जब तीनों का मिलन होता है तो एक बनता है, और तीनों का मिलन हुआ तो बना एक कृष्ण। इसलिए इन तीनों शक्तियों का मिलन करके कृष्ण का एक नाम रखा सच्चिदानंद। तीनों का जहां मिलन हो गया वो श्री कृष्ण है। सत किसको कहते हैं? सत होता है इटर्नल, दैट विच इज अनचेंजिंग, कभी ना बदला जा सके, कभी जिसका विनाश ना हो सके, कभी बदल ना रहा हो, प्रकृति के नियम के अनुसार उसका स्वरूप, उसके स्वभाव में कोई उतार चढ़ाव ना है। ये जो हमारा मानव शरीर है ये अनचेंजिंग नहीं है, हर पल बदल रहा है, हर रोज बदल रहा है, हर एक दिन बूढ़ा होता जा रहा है। हम जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे टू यू गागा के केक काट रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, वो भैया 20 साल का हो गया, और वह महात्मा जी कह रहे बावरे 20 साल का बूढ़ा हो गया तू, मतलब 20 साल गए तेरे जीवन में से, अकाउंट में से 20 साल खत्म, और तू नाच रहा है, तू खुशियां मना रहा है, दुनिया खुश होती रहती है, सब खुश होते हैं, हम कोई किसी की दूसरे की थोड़ी बात कर रहे हैं। पर जो महापुरुष होते हैं ना, आप कभी भी देख लेना, जो पूर्व के महापुरुष हैं, जैसे हमारे गोस्वामी हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता। इनका क्या, कौन सा दिवस मनता? तिरोभाव, जिस दिन ये दुनिया छोड़ के विदा लेके ठाकुर जी के चरणारविंदों में समा गए। बोले आए इसमें क्या खुशी, गए भगवत चरणों में लीन हो गए, ये खुशी की बात है। तो इसलिए ये शरीर जो है ये तो हर पल बदल रहा है। आज अच्छा खासा, कल पता चले कोई भयानक बीमारी, रोग निकल आया, बदल गया 2 मिनट में। मनुष्य शरीर में बदलाव है, मनुष्य के बिहेवियर में भी बदलाव है, स्वभाव में बदलाव है, स्वभाव बदलता रहता उसका। लेकिन इस संसार में, इस दुनिया में कौन सी चीज है जो अनचेंजिंग है, जो कभी नहीं बदलती है, बताइए? प्रभु की भक्ति। और सब बदल रहा है, मनुष्य स्वभाव बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। अभी देखो ठंड में एकदम, 2-4 महीना बाद फिर पंखा चाहिए। अभी पंखा एकदम शत्रु जैसा लगेगा, एसी एकदम दुश्मन जैसा लगेगा। सब चीज़ यहाँ चेंज होती है, लेकिन एक ही चीज़ है जो अनचेंजिंग है, जो इटर्नल है, जो सत्य है, जो सदा सदा के लिए थी, है, रहेगी, वो एकमात्र और एकमात्र श्री कृष्ण और उनका नाम। ये कभी नहीं बदलने वाला, भगवान कभी नहीं बदलते, भगवान के स्वरूप में भी बदलाव नहीं आता। अच्छा चलो, आपने आज तक भगवान की इतनी सारी चित्र, फोटो, विग्रह, मूर्ति सब देखी होगी, कभी आपने बूढ़े भगवान देखे? भगवान अब एकदम मुरझा गए, बूढ़े हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई, बाल सफ़ेद हो गए, क्यों? क्योंकि वो 100 साल द्वारिका में रहे, तब भी वो ऐसे लगते जैसे 10-12 साल का कोई युवा बालक हो। भगवान सत्य है, भगवान शाश्वत है, भगवान सनातन है। तो ये भगवान का पहला गुण है जिसको सत कहते हैं। एक भगवान का नेक्स्ट जो गुण है वो है चिद, वो है चैतन्य। मनुष्य को जागृति पूर्वक जीना, सारी जो दुनिया है वो इंस्टिंक्टिवली जीती है। जैसे कोई क्या उसको करना सही है, क्या नहीं करना सही है, ये भगवान ने हमको बुद्धि दी है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, वी कैन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये पूरा की पूरा टोटल जो सोच का सिस्टम है, ये भगवान ने हमारी बुद्धि में फिट किया। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सकता हो कि भाई मुझे नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है,
वो ना करे ना माने वो अलग बात है, पर पता सबको है कि गलत क्या है और सही क्या है। झूठ बोलना सही है? कौन कौन मानता है सही है बताइए, है कोई यहां पर है कोई ऐसा जो झूठ नहीं बोलता हो? आजकल तो मोबाइल का जमा, इतना झूठ, कहीं कोई काम भी नहीं आएगा ना। मुझे कहा है भैया, आधा घंटा वो गूगल मैप दिखा रहा होगा, वो पहुंच गए 10 मिनट में। मतलब 20 मिनट का झूठ तो हर सेकंड पे बोलते हैं हम, बस पहुंच गए आ गए लो। तो यहां हम अपने इंटेलेक्ट के, मनुष्य की बुद्धि, अब देखो पशुओं से तो आप ये इंटेलेक्ट का आशा नहीं रख सकते। अब जो पशु है, अब शाकाहार प्राणी शाकाहारी रहेगा, अब बकरी को कोई कितना भी वीगनिज्म पर आर्टिकल पढ़वा दे, कितने भी भाषण, कितने भी लेक्चर, कितने भी सत्संग, शेर को कितने भी आप भागवत के प्रवचन सुनवा दो, वो थोड़ी ना शाकाहारी बन जाएगा। पर मनुष्य के पास बुद्धि होती है, जिस इंटेलेक्ट के साथ वो जीता है, और वही चिद है, वही चैतन्य है, उसकी सोचने की क्षमता, उसको मांझना है बस। बुद्धि सबके पास है, मन सबके पास है, उसकी स्वच्छता, उसकी सफाई, दुनिया की बाहर की कितनी भी चीजों को साफ किया। जैसे एक महात्मा जी पनघट पे गए पानी पीने के लिए। महात्मा जी का नियम था किसी स्त्री को छुएंगे नहीं, और कोई स्त्री भी हमारा कोई सामान छू देती है, कोई वस्त्र आभूषण, उसको भी नहीं अपनाएंगे। सो एक माता आई, उसने देखा बाबा जी प्यासे हैं, तो उसने घड़ा लिया, और घड़ा बाबा का ही घड़ा था, उसको लेकर के उसने उसमें पानी पिलाने लगी। बाबा बोले, अरे राम राम राम, मेरा तो घड़ा पवित्र हो गया, अब धोना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, एक स्त्री के हाथ से छू दिया इसने, तो घड़े को मांझा। वो माता भी बड़ी बुद्धिमान थी, पहली बार तो गलती से हो गया, दूसरी बार जब उसने सुना ना बाबा जी कह रहे हैं मांझना पड़ेगा, अब स्त्री ने छू दिया, राम राम, हमने इसका मुंह देख लिया, अब की बार उसने जानबूझ के छुआ, जानबूझ लेकर के फिर पानी पिलाने लगी। महात्मा भी तो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, हमारा नियम है कि हम महिला को ना देखते ना उसके हाथ का, अब फिर मांझना पड़ेगा, फिर मांझा है, दो बार वो फिर छूती है, तीसरी बार करते करते अंत में उस महिला ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी से क्षमा मांगी कि मैंने आपको इतना कष्ट दिया। परमात्मा जी, छोटी मुंह बड़ी बात, हम तो साधारण गांव की ग्वालिने हैं, पर एक बात कहते हैं, घड़ा 1000 बार भी मांझ लो ना तो भी कुछ नहीं होगा, एक बार मन को मांझ लो तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मन को एक बार साफ कर लो, मन को मांझ लो, बार बार घड़ा मांझना ही नहीं पड़ेगा। भाई देखो, हम किसी के नियम का विरोध नहीं कर रहे, आज भी खूब संत होते, नियम होता भाई हम ये नहीं करेंगे वो नहीं, वो सबका अपना नियम, पर वास्तविकता में शुरुआत तो यहां से हो रही है ना, मन से हो रही है, मन की स्वच्छता से शुरुआत होती है। तो भागवत जी क्या करती है, भागवत जी मन को साफ करने का डिटर्जेंट पाउडर है, और तो कुछ मिलता नहीं मन की सफाई के लिए दुनिया में, भागवत जी करती है भगवान का सत्संग, धीरे 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 एक 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 करके मन को साफ करता जाता है, साफ करते करते, और फिर स्वच्छ हृदय में कौन आके बैठता है, स्वच्छ हृदय में कौन आके विराजते हैं, स्वच्छ हृदय में हमारे नाथ, हमारे प्रभु आकर के विराजमान। भगवान खोजते हैं, जैसे हम खोजते हैं ना भाई, कोई अच्छी शहर में प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई बढ़िया रहवाइश मिल जाए, जहाँ आसपास कोई शोर शराबा ना हो, कोई डिसिप्लिन भंग ना हो, सारी सुविधा हो आसपास में, मार्केट भी, हम सब सोचते हैं अच्छी जगह मिले रहने के। ठाकुर जी भी खोजते हैं अच्छा दिल मिले रहने के लिए, अच्छा हृदय मिले रहने के लिए। और जब ठाकुर जी को अच्छा हृदय मिल जाता है ना, उसमें निवास करने, ठाकुर जी छोड़ते नहीं, फिर तो उसके पीछे पीछे भगे डोलते। गोपियों का हृदय मिला,
भगवान ने देख लिया ये हृदय मेरे रहने लायक। और गोपी क्या करी है, गोपी करी खबरदार मेरे सामने में डोरे आयो तो, मेरे सामने आयो तो भाग यहां ते। पर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, गोपी कहती है जित जाऊत आड़ोई आवे, जित जाऊत आड़ोई आवे, जित जाऊत आड़ोई आवे, जित जाऊत बिना बुलाए बोले शाम लगो संग डोले, बिना बुलाए बोले शाम बिना बुलाए बोले। मतलब कितनी बड़ी बात कह रही है गोपी। योगियों को सारा जीवन लग जाता है योग ध्यान करते करते एक बार भगवान की वाणी कान में सुन जाए, और गोपी क्या करी बिना बुलाए बोले। हम कह रहे हमको बात नहीं करनी, और ये पीछे पीछे डोलता भगता आ रहा है। देखो गोपी कह रही भाग जाओ, और ये भाग नहीं रहा। तो ये क्यों कर रहे हैं श्री कृष्ण ऐसा, क्योंकि उनको लालच है, उनको पता है कि गोपी का हृदय मेरे रहने योग्य है। गोपी के हृदय में और कुछ बचा नहीं, ना गोपी के हृदय में पैसा है, ना परिवार है, ना पुत्र है, ना पति है, ना कोई भी वस्तु नहीं बची गोपी के हृदय में। अजी और तो और गोपी उद्धव को कहती है योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम शाम है। ये जिस योग की तू बातें करने उद्धव आया है ना इस ब्रज में, इस शरीर के किसी कोने में योग की जगह नहीं बची, केवल यहां रोम रोम शाम। तो वो जो कृष्ण है वो चाहता है ये गोपी का दिल मुझे मिल जाए रहने के लिए, और इसके लिए कुछ भी करेगा। छछिया पर छाछ पे नाच नचावे, गोपियां छाछ के लिए नचवा रही हैं और श्री कृष्ण नाच रहे हैं। तो ये है हृदय की, मन की शुद्धि का फायदा। मन जब शुद्ध होगा, मन जब स्वच्छ होगा, तो ठाकुर जी का मन ललचाएगा कि इस हृदय में मैं जाके वास करूं। और मन की शुद्धि होगी सत्संग सुनने से। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, पहला चरण भगवान का स्वरूप बताता है इस श्लोक का, दूसरा चरण भगवान का सामर्थ्य बताता है, कितने पावरफुल हैं भगवान। देखो कभी भी किसी आदमी से आदमी रिश्ता जोड़ता है, रिश्ता जोड़ने के लिए उसकी पूरी डिटेल जानता है। अब हम एक डॉक्टर के पास कुछ ट्रीटमेंट कराने जाएं, इलाज कराने जाएं, तो हमें सिर्फ उसकी डिग्री क्या, कौन सी MBBS है कि कौन सा, इतने से बात बन जाएगी। हम जाकर के उससे ये थोड़ी पूछेंगे प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, या तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। लेकिन अगर उसी डॉक्टर से अपनी बेटी ब्याहनी हो तो, रिश्ता बनाना हो तो पूरा डिटेल जानेंगे। अगर किसी को बस ठाकुर जी से बार बार से ही हाय हेलो करना है तो फिर कोई जरूरत नहीं कि भाई वो भगवान, आप उनके भक्त और बस आरती पूजा, इतने से काम बन जाए। पर जिसको संबंध ठाकुर जी से स्थापित करना है, उसको भगवान का एक एक गुण जानना चाहिए, उनका स्वरूप जानो,
उनका सामर्थ्य जानो। जिस दिन पता चल गया कि हमारा रिश्तेदार कोई साधारण नहीं, हमारा संबंधी जगत का नाथ है, एक पलक झपकाए तो पलक झपकाने से ऐसी जो दिख रही है ना हमको, ये दिल्ली बंबई भारत अमेरिका जैसे देश ब्रह्मांड, ऐसा ब्रह्मांड ठाकुर जी एक पलक झपकते बना भी सकते और मिटा भी सकते, ऐसी अनेक सृष्टियां बना सकते, उनके पलक झपकने से बन जाती हैं और मिट जाती हैं। वो इतना सामर्थ्यवान जो हरि है, अगर वो हमारा संबंधी होगा तो सोचो किसी से भय लगेगा दुनिया में, किसी से डर लगेगा कि जब इतना ताकतवर जो हरि उसका हाथ हमारे माथे पर है किससे डरना, किससे लोभ लालच रखना, जब वो है हमारे संग हमें संवारने के लिए तो फिर किससे घबराना। राधा रानी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है, उनके रहते कोई कुछ करे बोलो किसकी ये औकात है, किसमें ये सामर्थ्य है। अब देखो जैसे बहुत सारे लोग शनि देवता से बहुत डरते हैं, डरते कि नहीं शनि जी टेढ़े ना हो जाए, पर बताइए शनि जी तो हमारे बरसाना आनंद गांव के ढोरे श्री स्वामिनी जी और स्वामी श्री लालजू की सेवा में नित्य निरंतर बैठे हैं कोकलावन में। अब अगर हम स्वामी जी यानी हमारे ठाकुर जी और स्वामिनी जी की चरण पकड़ लेंगे तो शनि देवता हमें आँख थोड़ी दिखाएंगे, उल्टा उस भक्त के पीछे पीछे घूमेंगे कि भैया ये पता नहीं कब कृपा करके हमको भी ठाकुर जी तक ले जा जाए पहुँचा दे, फिर क्या डरना। तो ये रिश्ता बनाना है ठाकुर जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ। तो उनसे ये संबंध बनाना, फिर संबंध बनाने के लिए जरूरी क्या है, उनको थोड़ा जानना, उनके विषय में थोड़ा समझना, उनके बारे में थोड़ा जानना। ये भागवत का पहला श्लोक है पर पहला नहीं है, महापुरुषों के मुख से हमने सुना है, जिसने ये श्लोक समझ लिया ना भागवत जी का उसको पूरा भागवत हृदय में बैठ जाएगी। एक श्लोक बीज है, ये बीज समझना, क्यों, क्योंकि ये बीज में कृष्ण है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कृष्ण जाना जगत जाना, कृष्ण नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, एक ही बात हमेशा बोलते कृष्ण जाना तो जगत जाना, नहीं तो सब दुनिया जान के भी कुछ हाथ नहीं लगे, कुछ नहीं पा सकते। तो भगवान का गुण, भगवान का सामर्थ्य, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु संसार में तीन ही प्रकार की प्रवृत्ति है हर चीज की, सृजन पालन विसर्जन। कोई चीज बनती है चलती है मिट जाती है बिगड़ जाती है। तो भगवान बनाने वाले भी हैं, भगवान चलाने वाले भी हैं और भगवान मिटाने वाले भी। तापत्रय विनाशाय, आदि व्याधि उपाधि, तीन तरह के दुख होते हैं जिसको तन मन धन तीन तरह का दुख कहा जाता है, दैहिक दैविक भौतिक दुख, इनका भी नाश करने वाले श्री ठाकुर जी हैं। कौन ठाकुर जी, श्री कृष्णाय वयम नमः, साक्षात श्री कृष्ण। ध्यान रखना हम इस भागवत में जो कथा सुनेंगे ना वो कृष्ण की नहीं सुनेंगे, अकेले कृष्ण की नहीं सुनेंगे, जो कृष्ण श्री के साथ विराजमान है उन कृष्ण की कथा सुनने का आनंद ही अलग है। देखो हम द्वारिका वाले कृष्ण की कथा कहते हैं क्योंकि भागवत जी में लिखी है, तो कैसे नहीं कहेंगे, भागवत जी का क्रम तो पूरा करना पड़े, पर हम सच्ची कहते हैं उतना रस नहीं आता भगवान की जो द्वारिका वाली लीला, उसमें उतना ब्याह हुए ऐसा हुआ 16,000 रानी ठीक है वो तो कथा का क्रम है कहना पड़ेगा, पर उस क्रम में भी उस द्वारिका वाले कृष्ण में भी कहीं ना कहीं ब्रज के ठाकुर जी आ ही जाते हैं, अलग नहीं है वो कोई, लेकिन ये ब्रज का रस है कि कह रहे हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार,
इस ब्रज की सीमा के बाहर तुमको ठाकुर जी भी ठाड़ो मिल जाए ना, तो ब्रजवासी कह रहे हैं वह ठाकुर जी ते कह दियो हमको, हम तेरो मोड़ो नहीं देखेंगे, हम आपका मुख नहीं देखेंगे, हमें वही वाला कृष्ण चाहिए जो ब्रज की इस बॉर्डर के भीतर हो, ब्रज की बॉर्डर की जो सीमा के उस पार तुम खड़े हो गए ना तो हम मुंह फेर लेंगे, इतना ब्रज से प्रेम है। और ब्रज के, ब्रज से प्रेम होने का एक मूल कारण ये है, कृष्ण तो है ही है पर उनसे, ब्रज भूमि से प्रेम होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी श्री लाडली जी, श्री राधा रानी, उनकी वजह से ये ब्रज, कोई भेद नहीं है, या तो ये कह लो राधा रानी ब्रज में रहती या ये कह लो राधा रानी में ब्रज रहता, श्री राधा रानी के हृदय में ब्रज रहता है। कितनी बार कथा में सुनाए हमने महापुरुषों के मुख से, पढ़ा भी है कहीं कहीं, कि जब दो दिन के लिए कुरुक्षेत्र गई ना श्री राधा रानी ब्रज छोड़ के, कन्हैया भी मिले पर उनका शरीर वहां भी जल रहा था, बोले यहाँ से लेके चलो, सखियों ने कहा आपको आनंद नहीं आ रहा, ठाकुर जी आपके सामने खड़े, तो श्री जी ने कहा कि नहीं, कृष्ण तो है पर वृंदावन नहीं, ब्रज भूमि नहीं। सो इसीलिए ब्रज में ठाकुर जी तो है ही, उसमें कोई शक नहीं, पर लाडली जी श्री राधा रानी उनका जो रस है वो बड़ा आनंद में, प्रेम में। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, चोरी चोरी भामनी
लाडली वने वने
श्री राधा रानी वृंदावन के वन मन वन में है, हर कण कण में है और कृष्ण पत्ते पत्ते में है, तो दोनों का जो मिलन है वो वृंदावन है। इसलिए वृंदावन, देखो भैया, दो लोगों का वृंदावन है, एक तो ज्योग्राफी वाला वृंदावन है, ज्योग्राफी वाले वृंदावन में तो सबको पता भाई ये एरिया है, इतना स्क्वायर फीट है, इतना ये, पर एक उपासकों का वृंदावन है, एक उपासकों का ब्रज है और उस ब्रज में ना किसी कामना का प्रवेश है, ना किसी हेतु का प्रवेश है, और वहाँ जो एक बार घुस जाएगा, वहाँ घुसने पर, प्रवेश होने पर ही श्री लाडली जी की कृपा उस पर बरसती है, उस पर कृपा होती है। तो ऐसे ही श्री श्यामा श्याम, दोनों का मिलन ही भागवत है। कहीं कोई ये सोचे अकेले अकेले कन्हैया के सुनने से भागवत हो जाएगी, वो नहीं हो सकती, उसमें श्री राधा रानी कृपा का होना जरूरी है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, दोनों युगल को प्रणाम करते हुए फिर भागवत जी का आरंभ हुआ नैमिषारण्य तीर्थ में। 88,000 ऋषि विराजमान है और तब वहाँ आए श्री सूत जी। सूत जी को दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि किसी साधो जन का दर्शन प्राप्त हो जाना ही हरि की कृपा का एकमात्र लक्षण माना जाता है। तो जैसे सूत जी को देखा, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, उनको आसन पर विराजमान किया और कहा, निवेदन किया, हे प्रभु, हम सब संत महापुरुष यहाँ इकट्ठे हुए, हम चाहते कोई ऐसा योग्य पुरुष महापुरुष मिले जो हमें भगवत चर्चा सुना सके, तो आप हमें कथा सुनाई, और कथा भी एक शर्त रख दी, बोले कथा नहीं, हमको कथा सारम, हमको कथा का सार सार सुना दीजिए। किसी ने कहा, बाबा जियों को सार सार सुनने की क्या जरूरत, इनके पास तो टाइम ही टाइम था, इनके कौन से घर में बाल बच्चे रो रहे थे जो इनको जल्दी थी कि भाई हमको सार सार सुनाओ, हम निकले। तो बोले, ये महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, ये हम सब पर कृपा की, हम कलयुग वालों पर कृपा करी, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग में आदमी के पास भगवान से बचने का बस एक ही बहाना बचा है, और वो बहाना कौन सा है, देखो कितने अच्छे से जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को, हमको सबको पता है, जब भी बात भगवान की आती है तो समय नहीं, एक समय नहीं, ये बहाना है, और अगर किसी का बाल बच्चे घर में बीवी पति पत्नी और एक बहाना और है, हम तो गृहस्थी हैं, तो भैया गृहस्थी हो गए तो क्या हो गया, गृहस्थी हो गए तो क्या ऐसा कहीं लिखा है कि गृहस्थी भगवान का भजन नहीं कर सकता या भगवान को पा नहीं सकता। ये सब बेकार के बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए, भगवान के लिए ये बहाने मत बनाइए, सत्संग के लिए ये बहाने मत बनाइए, हाँ मन नहीं है ये कह दीजिए तो बात जचती भी है कि भाई नहीं हमारा मन नहीं हो रहा कथा सुनने, पर समय नहीं, ये तो बड़ी बेकार की, क्योंकि समय तो हर एक आदमी के पास। पहले के जमाने में दिल्ली से वृंदावन जाना हो, रसखान जी गए दिल्ली से वृंदावन, तो एक आदमी कैसे जाता, पैदल चलता, या कोई बैलगाड़ी कोई गलती से कोई मिल गई तो वो ठीक, तब यहाँ से वृंदावन जाने में कितना समय लगेगा पैदल पैदल जाओगे तो, एक दिन, कहीं दूसरी जगह गए तो दो दिन, कहीं और लंबी जगह गए चार दिन, आज के समय में देखो कहीं भी जाना हो, बम्बई भी जाना हो, फ्लाइट पकड़ो दो घंटा में पहुंच गए। समय पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से देखो तो बढ़ा कि घटा, पहले यात्रा करने में कितना समय लगता था, आज को यात्रा करने में समय लगता, पहले के जमाने में कपड़ा धोने के लिए माता दिन भर घिस घिस करके कपड़ा धोती, आज डालो उसमें, कितनी सारी चीजें बदली, तो इसके हिसाब से तो समय बढ़ना चाहिए था ना जीवन में, और बढ़ने की जगह घट गया, कम हो गया, क्यों कम हो गया, जो समय बचा वो कहाँ गया, हाँ जो समय बचा वो लग गया इसको करने में। किसी ने कहा, अगर ये ऐसे करने से, हाथ चलाने से, अगर वॉकिंग डिस्टेंस, वो पहनते ना हाथ में वो हेल्थ वाली जो घड़ी, कि इतना आपको स्टेप डेली स्टेप्स इतने चल लें,
तो अगर इसको करने से चलो तो एक आदमी कुछ दिन में कितने किलोमीटर चल लेता है, घुमा घुमा के। तो भैया ये तो अपनी अपनी प्राथमिकता है, आपके नज़र में किस चीज़ की महिमा है, प्रायोरिटी आप क्या देते हो उस पे निर्भर करता है। जिनको सत्संग से प्रेम है उनको तुम कुछ भी दे दो वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे जब तक उनके कान में हरि कथा नहीं जाएगी। तो कृपा फिर भी सूत जी ने कर दी कि चलो हम तुमको कथा का सार सार सुना देते हैं। और कथा का सार क्या, श्रीमद्भागवत, जो वेदों का भी पुराणों का भी उपनिषदों का भी दर्शनों का भी सबका सार है, उसको सुनाना सूत जी शुरू करते आरंभ करते हैं। और सूत जी कहते हैं देखो यही कथा जब सुखदेव जी सुनाने जा रहे थे तो देवता आए अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित को देने के लिए। राजा मरने वाला, सातवें दिन देवताओं ने कहा अमृत पिला दो बच जाएगा। सुखदेव जी ने भी कहा इस राजा की मर्जी, अभी आज हमें कहेगी अमृत चाहिए हमें तो हम तुरंत यहाँ से अमृत दिला के चले जाएंगे। पर राजा परीक्षित जानते थे अमृत पी करके कोई अमर नहीं होता, जिसने भगवान की कथा रस को पिया है अमर इस समाज में वही बना है, उसका नाम अमर हुआ है। इसलिए परीक्षित जी ने कहा ना ना ना, ये अमृत का झांसा देवता हमको मत दो, तुम देवता बड़ा चालाकी से झांसा देते हो, ये काम बना देंगे वो काम बना देंगे, हमको कुछ नहीं बनवा। अब तो हम बैठ गए यहाँ सुखदेव जी की शरण में, सात दिन कथा सुन के ही उठेंगे और हम तैयार हैं तक्षक के डसने से, मर जाएंगे तो भी कोई चिंता नहीं है, पर ये सात दिन जितना हो सके हम जी लेंगे। क्योंकि वास्तविकता तो यही है भैया, देखो कोई बुरा नहीं मानिएगा, असल में हम दुनिया में जीते नहीं हैं, दुनिया में तो हम तिल तिल करके हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। संसार मतलब सम्यक रूपेण जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है वही संसार है, संसार की व्याख्या ही यही है। पर असल में जो थोड़ा समय भगवान की स्मृति में बीतता है, भगवान की कथा में बीतता है, वही समय जीवन में सचमुच गिना जाएगा, उतना ही गिना जाएगा, उतना ही जीवन में माना जाएगा। तो इस समय जो बैठ के हम चाहे जो भी दो पांच बातें कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, यही गिना जाने वाला, यही गिना जाएगा। तो श्री सूत जी ने कथा सुनाना आरंभ किया और सबसे पहले भागवत जी का महत्व सुनाया। नारद जी को ने भगवान का मन का अवतार है, इसलिए नारद जी जब भी कहीं समस्या होती है तो वह नारद जी पाए जाते हैं, क्योंकि समाधान इन्हीं के पास होता। तो देवर्षि नारद जी एक बार खुद समस्या में गिर गए और इतनी भारी समस्या कि उनको समाधान नहीं मिल रहा। और समस्या क्या थी, समस्या थी भक्ति के दो पुत्र, ज्ञान और वैराग के उद्धार के लिए सत्कर्म करना। अब नारद जी बेचारे बड़े संशय में कि सत्कर्म की गिनती में क्या आता, क्या है सत्कर्म, कौन सी चीज है सत्कर्म, समझ नहीं पा रहे संतों से या किसी के पास उत्तर नहीं। तो शनकादि ऋषि के पास गए, शनकादि ऋषियों ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे नारद जी आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, भगवान का भक्त जब कभी टेंशन में दिख जाए ना तो सामने वाला आदमी भी कह देता अरे तू और टेंशन, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पता है भगवान का जो भक्त होता है ना वो एकदम निश्चिंत होता है, एकदम टेंशन फ्री। और निश्चिंत क्यों रहता है, क्यों रहता है, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे बोलिए है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात
तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माँ, तो किस बात की चिंता। भगवान का दास कभी उदास नहीं हो सकता। क्या उदासी आएगी नहीं उसके जीवन में? बहुत आएगी। इतनी उदासियां आती है ना भक्त के जीवन में, कोई गिन नहीं सकता। परिस्थितियां उसके जीवन में इतनी प्रतिकूल जाती हैं, इतनी अगेंस्ट जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जो बांसुरी बजाता हुआ खड़ा रहता है ना, ये कोई आपको सीधा लगता है? सीधा नहीं, बड़ा टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। और मैं हमेशा कहती हूँ, ये टेढ़ा है तो इसकी कृपा करने का तरीका भी टेढ़ा है। और इसकी कृपा करने का तरीका यही है। ब्रज में हम सब लोग कहते हैं, बात बड़ी प्रसिद्ध है, और देवी देवता देते हैं, कृष्ण देता नहीं, कृष्ण छीनता है, लेना शुरू करता है धीरे धीरे। जब लेना शुरू कर दे तो मतलब अब कृपा हो गई। रिश्ते छीन लेगा, परिवार से दूर कर देगा, धन से दूर कर देगा। तो प्रतिकूलताएं बहुत देते हैं ठाकुर जी। हम तो भक्त की कैटेगरी में नहीं है, जो जो भक्त की कैटेगरी में उनसे जाके पूछो जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं होंगी उनकी। लेकिन उदासी होने के बाद भी मुस्कुराने की बस एक ही कारण, एक ही वजह है। कितने भी दुखों से वो हारा हुआ हो, कितने भी परेशानियों से हारा हो, जैसे ही राधा रमन लाल जी के सामने जाएगा तो राधा रमन लाल जी वो दो दतुलिया दिखाते हुए जरा सा हंस देंगे और बस उनकी मुस्कुराहट देख के उसकी सारी चिंता गायब, सब भूल जाएगा। और बस उसको वही मुस्कुराहट दिखती रहेगी चारों, वही मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए ठाकुर जी, मुस्कुराते हुए राम जी। अब तो एक नया अध्याय जुड़ गया ना, मुस्कुराते हुए रामलला। हम तो जिस दिन दर्शन किया उसी दिन, हम पहले ही दिन जैसे चित्र देखा था, अरे ये तो राधारमन जी जैसे मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी मुस्कुराहट हमारे ब्रज के लाला की है, ऐसी अवध के लाल जी की है। कैसा सुंदर मुस्कुरा रहे, उनकी मुस्कुराहट देखो तो सबरी चिंता एकदम, जैसे गधे के सर से सींग गायब, वैसे जीवन से सब चिंता गायब। तो भगवान का दास कभी उदास नहीं। और कभी हो गया तो, कभी देख लिया कि भगवान का कोई साधु संत उदास है, तो वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं, कोई जरूर समाज में कुछ गलत देखा है, या तो समाज गलत दिशा में जा रहा है, या जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, इसकी वजह से चिंतित होते। तो सनकादि ऋषि ने कहा, नारद जी आप और ऐसे चिंतित, टेंशन क्या कारण? हमारा सत्कर्म खोजने निकला, आपको क्या जरूरत पड़ी सत्कर्म की? बोले हम तो अच्छे बड़े वीणा लेके, अपनी वीणा लेकर के सबरी धरती पर एक ही बात गाते हुए घूमते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सोते नारायण नारायण।
सोते नारायण 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 सोते नारायण 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 ओ जगते नारायण गाते देवर्षि नारद जी वृंदावन की यात्रा कर रहे थे और वृंदावन की यात्रा करते करते कहाँ पहुँचे यमुना जी के किनारे और यमुना जी के किनारे किनारे यमुना पुलिन पर नारद जी भगवत ध्यान चिंतन लीला चिंतन करते करते एकदम डूबे हुए थे। यमुना जी स्थानीय ऐसा यमुना जी पर जाओ तो सबसे ज़्यादा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन होता है। कभी जाके बैठ के देखना यमुना के किनारे पर बस भगवत चिंतन करो तो इतना सुंदर आनंद आएगा। तो वहाँ जा रहे थे भगवत लीला का चिंतन तभी पीछे से एक आवाज़ आई भो भो साधो शनम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। पीछे से आवाज आई हे साधो हे साधो हे महात्मा जी रुक जाओ रुक जाओ। तो रुक गए, रुक करके पीछे मुड़ के देखा तो एक माता बैठी बड़ी सुंदर, चेहरे पर एक अद्भुत तेज, लेकिन उन्हीं के गोद में बड़े मुरझाए निराश बेहोश मूर्छित पड़े हैं दो वृद्ध पुरुष। रुक गए नारद जी देख करके, परिचय पूछा तो इनका परिचय इन्होंने बताया अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। भक्ति आज वृंदावन में आकर के सुंदर सुडोल युवा तेजमयी हो गई, पर ज्ञान वैराग आए तो ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए वृंदावन में। ज्ञान वैराग आए तो उनकी दशा बड़ी जर्जर हो गई, आंखों से दिखाई देना बंद, आंखें बंद, होश नहीं। तो देवी भक्ति ने कहा नारद जी आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके पास समाधान होगा, बताओ ना क्या करूं। इन बच्चों का हाल ये हो गया है कि अब किसी को कह भी नहीं सकती हमारे बेटे हैं दोनों। लोग कहेंगे बड़ा विचित्र रिश्ता भाई, माँ तो इतनी युवा और बालक बूढ़े, तो ये तो बात बनी नहीं जची नहीं। पर देवी आपके साथ ये हुआ कैसे? भक्ति ने बताया कि पहले तो सब ठीक चल रहा था। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीनताम गता वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी। सब ठीक होते होते मैं तो वृंदावन में युवा हो गई, बालक बूढ़े हो गए, अब बताइए नारद जी क्या करूँ। पहले तो समस्या बताइए फिर समाधान बताइए, समस्या कैसे हुई? नारद जी ने कहा वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। देवी ये मत भूलिए ये वृंदावन की भूमि है, ये वृंदावन की धरती है, इसको साधारण समझ रही हो आप? हमारे ब्रज में गावे ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, ओ ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर। कैसी लीला है? या मेरे ऋषि मुनि गए हार जा
जपे जा राधे राधे। या मैं ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे। बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े महात्मा आए या ब्रज में, कोई आँख बंद करके ध्यान करवे आयो, कोई तपस्या करवे आयो, आँख बंद करके बैठो तो कई ब्रजवासी ने आके खूब बाबा को गारी सुनाई। बोले बाबा आँख बंद करके बैठो। बाबा बोले क्यों जी, आँख ना बंद कर सकेगा? बोले ना, दुनिया में आँख बंद करो पर ये वृंदावन आँख बंद करवे वाली जगह ना, जो तो आँख खोल के खोल खोल कर ठाकुर जी को देखवे वाली जगह। जोलो तू बैठ के नंद कुमार को निहार ले, उनको निहारो। बड़े बड़े ऋषि, दुर्वासा ऋषि एक बार आए बरसाना में, तो वहाँ हमारी लाडली जी छोटी सी थी, तो अपनी सखीन के संग वो बालिका नहीं खेलती बच्ची, वो रसोई में किचन खेलती हैं, रसोई बनाती हैं, तो लाडली जी खेल रही थी अपनी सब सखीन के साथ। तो दुर्वासा ऋषि आ गए, ज्ञानी महात्मा। सखी ने, ललिता ने आके दुर्वासा ऋषि को हाथ पकड़ी, बाबा माई लाडली जी ने लड्डू बनाए, खाएगो। अब ब्रज में चाहे कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो भी तू तड़ाकी बोलते हैं भैया, यहाँ कोई आप नाम की कोई प्रवेश नहीं है यहाँ। तो बाबा तू खाएगो लड्डू। बाबा ने सोची को बढ़िया ही लड्डू होंगे जब लाडली जी ने बनाए, बुलाओ। तो ललिता विशाख कर लिया ही लड्डू और लाके दुर्वासा ऋषि, बोलो बाबा पाओ लड्डू। अब बाबा ने देखी तो लड्डू काए के माटी के लड्डू, ये खेल तो खेल ही रही थी लाडली जी, तो खेल खेल में माटी के लड्डू बनाए। अब कैसे कहें कि लड्डू कोई पावे की चीज़ है, पर भैया मना भी ना कर सके। सो बाबा ने सोची ना कोने में ले जाऊँ, इतनो सो जरा सो चख लूँगो और फिर लड्डू को फेंक दूँगो। पर जैसे लड्डू दुर्वासा ऋषि ने एक कण भर ही मुख में डाला और मुँह में घुला, हे राम, इतना सुंदर इतना स्वाद मिट्टी के लड्डू, बाबा सबरो लड्डू खा दो। और फिर जाके ललिता विशाख को बोलो लाली और लड्डू हैं? बोले हाँ, हमारी लाडली जी के हाथ में अन्नपूर्णा है। तो बाबा ने आशीर्वाद, दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया कि या के हाथ को जो कोई पावे हो या लाली के हाथ को, वाकी आयु लंबी है जाएगी। सो ये सूचना हमारी यशोदा मैया ढोरे पहुँच गई कि राधा रानी के हाथ को जो पाएगो बाकी आयु लंबी हो जाएगी। तो यशोदा मैया बोली बुला के लाओ लाडली जी को। तो कीर्ति मैया तो सहेली थी, तो कीर्ति मैया को कह दी अपनी लाली को भेजो, हम अपने लाला को पवाएंगे कन्हैया को, ताकि आकी उम्र लंबी है जाए। सो लाडली जी प्रसाद बनाने आई नंद महल में, प्रसाद बनायो, सबको पवायो। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई और इतनी प्रसन्न हुई कि मैया ने लाली के हाथ पीरे कर दिए। हाथ पीरे का मतलब समझते हो? मतलब ब्याह फिक्स, बिन बताए बिन कहे मैया ने बहू चुन ली। लाली के हाथ में मेहंदी लगा दी और श्री जी को, वो तो छोटी सी लाली बड़ी खुश है गई कि मैया ने हमारे हाथन पे मेहंदी लगाई। खूब नाचती नाचती बरसाने पहुंच गई, सब और सखी मिली, सबन ने कही अरे श्री जी ये तुम कहाँ करवा लाई? बोले हाथन में मेहंदी लगवाई। बोले आपका मतलब समझती हो? बोले मतलब, तो सखी बोली आखो मतलब टेढ़ी टांग वारी के निया तुम बहू चुन ली गई हो, बताओ वहाँ कारो कन्हैया वहाँ को बहू मिलती ना, और इतनी सुंदर मैया ने बहू चुन ली, अब बताओ ऐसे हाथ लेके अपनी मैया ढोरे जाओगी तो बड़ो संकोच होएगा। श्री जी बोली हाँ बात तो बड़ी सही कह रही हो। तो वहीं श्री जी ने हाथ धोए, हाथों का प्रक्षालन, आज भी वो स्थान है प्रिया कुंड पीली पोकर बोलते, वहाँ हाथ धो के तब श्री जी अपने महल गए। तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा दुर्वासा भृगु बड़े बड़े ऋषि आए और या ब्रज में आके श्री ठाकुर जी और राधा रानी को जब भाव जानो तो वो सब या ब्रज के है के रह गए। ये वृंदावन की महिमा है। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री गाइए सभी भाव से, गाते हुए नाचते आनंद लेते श्री वृंदावन धाम।
कुर्सी का मोह बहुत होता है, पर दिख भी रहा है आज एक बार कुर्सी मिले तो छोड़ेंगे नहीं। अरे ठाकुर जी के नाम में, और खासकर वृंदावन की बात चल रही हो, ऐसे तो कोई बात नहीं पर वृंदावन की बात चल रही हो, ने कहा नाचोगे नहीं, ने कहा तो शरीर को कष्ट नहीं दोगे ना तो आनंद नहीं आवे वो, तो जब तक राधे राधे गाते वही श्री जी को मनाओगे नहीं, नाचोगे नहीं, तब तक काय को रस। इसलिए भाव से Thank you.
राधारानी की जय। तो जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रूतो। श्री राधा नाम है तभी वृंदावन की शोभा है। यहाँ ये तो ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी, तो कण कण में यहाँ उनके होने का एहसास है, इसलिए ब्रज खास है और ब्रज की महानता है। तो नारद जी ने कहा, देवी आप पहले नहीं जानती थी क्या, आपको वृंदावन आना ही था तो बड़ी सोच समझ के आती। यहाँ कच्चे खिलाड़ियों को तो आना ही नहीं चाहिए, पता होना चाहिए भाई यहाँ बड़ा खतरा है। तो देवी भक्ति ने कहा कि नारद जी अब तो जो होना था हो गया, पर अब तो कृपा कर दो, इन बालकों का उद्धार करो। नारद जी ने कहा चलो कोशिश करके देख लेते हैं कुछ हो जाए तो। तो श्री नारद जी ने इन दोनों ज्ञान और वैराग्य के कान में मंत्रोच्चारण किए, लेकिन मूर्छा ऐसे दूर नहीं हुई। तो तब सनकादि ऋषि से समस्या का समाधान पूछा। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी सत्कर्म कहते हैं श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत शुकादि भी, भगवान की ही स्वरूप है भागवत जी, इसलिए भागवत जी का पाठ कराओ। तो देवर्षि नारद जी ने देवभूमि में उत्तराखंड में गंगा के घाट पर आनंद नामक घाट पर ये भागवत कथा आयोजित कराई। सबने आकर के इस कथा को श्रवण किया, ज्ञान वैराग्य ने भी सुना और कथा के विश्राम में भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। देवी भक्ति ने अपने दोनों बालकों के संग मिलके खूब हरिनाम किया, सब जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करते हुए नाचने लगे। कथा के मध्य हरिनाम संकीर्तन का उदय हुआ। देवी भक्ति ने पूछा देवर्षि नारद जी से कि नारद जी सबके लिए उचित व्यवस्था है, साधु इधर बैठेंगे, सन्यासी इधर, गृहस्थी इधर, पर मेरे लिए तो कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई, भक्ति आएगी वो कहाँ बैठेंगी। तो श्री नारद जी ने कहा कि देवी आपके लिए आसन नहीं, आपके लिए इन भक्तों ने अपना हृदय खोल रखा है, अपना दिल, इस हृदय में जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि जब आप हृदय में बैठोगी तो भक्ति के पीछे पीछे कौन आएगा, बोलिए ना, भक्ति के पीछे पीछे कौन आएगा। अभी कौन गा रहा था, मेरो माही श्याम लगो संग डोले, जित जाऊं ताड़ो आवे, भक्ति थी तब तो आड़े आ रहे थे बार बार, रास्ता रोक करके गोपी का ठाड़े थे, हम हजार बार बुला रहे तो आते नहीं, गोपी करी भाग जा तो भाग नहीं रहे, कितना अंतर है सोचो। क्योंकि हृदय में भक्ति का भाव है, तो वो भक्ति अगर हृदय में विराजित हो जाएंगी, वो भक्ति हृदय में बैठ जाएंगी, तो फिर ठाकुर जी को बुलाना न्योता देना नहीं पड़ता, स्वयं साक्षात भगवान आते हैं, दौड़ करके आते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा आप कहीं मत बैठो, आप ये जितने भी सुनने आए हैं ना, आप इनके हृदय में जा कर के बैठ जाइए। और ये बस उसी समय की बात नहीं थी, आज तक भी है, जो भागवत कथा श्रवण करता है भक्ति देवी उसके हृदय को अपना सिंहासन बनाती हैं, उसमें आकर के विराजमान होती हैं। तो भक्ति देवी का यह प्रसंग सुनाया और फिर इसी प्रसंग में एक इतिहास की घटना का भी वर्णन किया है। ये भागवत की महिमा को बताने के लिए है कि क्या है महिमा। जैसे हमने कहा ना हनुमान जी वाली बात, तो पहले महिमा जानोगे तब तो भागवत जी को सुनने का मन ललचाएगा। अभी धन की महिमा पता है, इसलिए कितनी भी ठंडी हो सुबह 7 बजे ना धोकर के ऑफिस जाते हैं, पता है कमाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति की और भगवान के सत्संग की महिमा पता लग गई, फिर लाख बीच में रुकावटें आए,
आदमी थोड़ी ना उससे रुक जाएगा। कोई भगवान की भक्ति मौसम देख करके थोड़ी होती है। हम कल ऐसे बैठे थे, कोई किसी के विषय में बात चल रही थी, तो कोई बोला आपको पता नहीं, मैं बोला क्या नहीं पता, बोला सर्दियों में 70% लोग तो ठंड के मारे नहाते नहीं है। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्दी में नहाएंगे नहीं, तो बोले नहीं सचमुच नहीं नहाते। तो उन्होंने 2-4 उदाहरण हमारे सामने बता भी दिए। तुरंत आसपास कुछ लोग घूम रहे थे, उससे पूछा भैया तू कब का नहा, बोले 5 दिन हो गए। हम बोले 5 दिन से नहाई नहीं, बोले नहीं ठंड लगती है। अरे ठंड लगती है का मतलब क्या हुआ कि तुम स्नान ही नहीं करोगे? अब बताओ, अब स्नान नहीं करोगे का मतलब समझते हो? स्नान नहीं करोगे तो बिना स्नान करे ठाकुर जी विग्रह के सामने कैसे चले जाओगे? न सेवा कर सकते, न पूजा कर सकते, न माला कर सकते। बिना स्नान माला नाम जप किया जा सकता, पर उसका विधान तब है कि भाई शरीर काम नहीं कर रहा, बीमार हो, रोग है, तब तो ठीक है, नाम जप तो हमेशा पवित्र। लेकिन इसका ये थोड़ी ना मतलब हुआ कि भाई आप बिना स्नान के किए जा रहे हो, नहीं। तो हम जो 2-4 उदाहरण दिए ना, उसने 2-4 को बुला, तब हमको लगा भाई बात तो सही कह रहे। पर आप सोचो भाई, जो व्यक्ति भगवान को पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी ना कर सकता हो, वो फिर कहे कि भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए सारा जीवन भी अगर न्योछावर करना पड़ जाए तो हंसी हंसी न्योछावर कर देना चाहिए। तो भक्ति आएगी हृदय में, तब ये सबकी महिमा पता लगेगी कि भाई क्यों जीवन में ये चीजें। और जिसको महिमा पता लग गई, देखो आज भी जिसको महिमा पता है वो हाथ में, जिसको महिमा पता उसके हाथ में माला है, जिसको नहीं पता तो वो अभी भी समय को बस ऐसे ही इधर उधर करते घूमेंगे। भक्ति का हृदय में आना यानी भगवान का न्योता, भगवान का निमंत्रण। तो इसलिए महिमा बताई। एक ब्राह्मण देवता थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता, उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम धुंधली था। धुंधली का मतलब होता है दुविधा बुद्धि, कंफ्यूज्ड माइंड, कंफ्यूज्ड बुद्धि होती है आजकल के इंसान की, करूं न करूं, ऐसा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बड़ी दुविधा रहती है। तो धुंधली बड़ी दुविधा में जीती थी। आत्मदेव बहुत विद्वान थे, पर कभी कभी किसी चीज का मोह व्यक्ति को पकड़ लेता है, और आत्मदेव को एक मोह ने पकड़ रखा था, संतान, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा होगा तो वंश चलेगा, बेटा होगा तो मुक्ति होगी। सबने समझा लिया भैया सब भाग्य कर्म में जो होगा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, एक दिन तो जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो देह को त्यागने चले गए। तब एक संत ने आकर के आत्मदेव को समझाया, पर समझने से बात समझ नहीं आई, फिर भी संत ने कृपा करके फल दिया। फल को ला करके आत्मदेव महाराज धुंधली को सौंप देते हैं। धुंधली पा तो लिया फल, ले तो लिया, पर वही वाली है ना, कंफ्यूज्ड माइंड, करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, खाऊंगी तो क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, बैठी बैठी सोच रही, गिनती गिन रही है सबकी। तो दुविधा जो बुद्धि होती है, इसमें एक खतरनाक काम ये हो जाता है, दुविधा बुद्धि जो है, इस बुद्धि का संग जब दे देता है मन, सहारा दे देता है, तो फिर बुद्धि और मन दोनों मिलकर के आत्मा को धोखा देते, मतलब आत्मदेव को। एक थी धुंधली की बहन, वो है हमारा मन। बुद्धि कहती है ये काम करना मुझे नहीं करना, भले वो शुभ काम मुझे नहीं करना, मन कहता हाँ तू सही कर रहा है, सही रास्ता पे चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता। मन का सहारा मिल जाता है बुद्धि को, और बुद्धि वो काम करने से, जैसे हमने स्नान की बात करी, बुद्धि करी नहीं 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 ठंड में थोड़ी ना नहीं, ड्राई क्लीन कर लो। मन कह रहा हाँ सही तो कह रहे हैं, और फिर मन क्या समझाएगा जानते हो?
अरे शुद्धता पवित्रता ये तो सब मन की होती है, मन सहारा देगा। बोले भैया बाहर से थोड़ी, गंगा नहाने से थोड़ी ना भगवान मिल जाते, वो सूकर कूकर पड़े रहते गंगा जी में तो थोड़ी ना भगवान मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्नान करने से। मन सहारा दे देता है, बुद्धि और मन की जब आपस में ये रिश्तेदारी हो जाती है ना, तब फिर ये आत्मा को धोखा देते, आत्मा फिर भटकती है 84 के चक्कर में, फिर भटकती घूमती है। आत्मदेव ने कहा फल खा लिया, दुधली बोली हाँ अभी पहले पूजा उजा कर लूं, अच्छे से स्नान वनान कर लूं फिर खाऊंगी। अब जब तक सोचती, जब तक उसकी छोटी बहन ने आके और उसको समर्थन दे दिया, बोले नहीं 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 ये फल वल मत खा, तू बड़ा चक्कर है, फंस जाएगी एकदम, बाल बच्चा पालना तेरा बस की बात नहीं है, एक काम कर हम अपना बच्चा तुझे दे देंगी। फल को गाय को खिला दिया गया, गाय से बालक हुआ, धुंधली बहन से बालक हुआ जिसका नाम रखा गया धुंधकारी, और गाय के गर्भ से बालक हुआ जिसका नाम रखा गया गौकर्ण। एक ही घर, एक ही परिवार, एक ही माहौल, एक ही पिता, लेकिन दोनों की विचारधारा में पूर्ण भेद, पूर्ण अंतर। धुंधकारी ने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं छोड़ा जो ना किया, पाप पे पाप करता रहा, और फिर श्री गोकर्ण महाराज ने देखा कि भाई तो एकदम पाप में डूबा है, समझाने का प्रयास किया पर समझाने से न समझा, आत्मदेव भी दुखी हो गए। श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को समझाया कि आप इसके चक्कर में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ ना ये सब छोड़ छाड़ करके भजन करने क्यों नहीं जाते आप। आत्मदेव ने कहा मन तो मेरा भी करता पर कभी कभी मन में आ जाता अगर मैं चला गया तो पीछे से तेरा ध्यान कौन रखेगा, धुंधली का ध्यान कौन रखेगा। ये जो हम समझते हैं ना कि हम हमारे जाने के बाद परिवार कौन चलाएगा, हमारे जाने के बाद घर कैसे चलेगा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है भाई। कोई बुरा नहीं मानिएगा पर एक दिन आएगा जब तुम्हारे पोता पोती पड़ पोता पड़ पोती तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे, हमारा मतलब तुम्हारा मतलब हमारा नाम तक भूल जाएंगे। कोई समझता हो कि भाई हमारे जाने के बाद दुनिया थम जाएगी, दुनिया बड़ी मौज से जिएगी, जैसे तुम्हारे संग थे उससे भी ज्यादा मौज से जिएगी, खूब आनंद रहेगा, किसी को कमी नहीं होने वाली, सब दुनिया चलेगी, तुम तो बस अपने जीते जी जितना बटोर सकते हो ना उतना बटोर लो। बटोर मतलब धन नहीं, वो तो बिना कहीं भी बटोरेंगे, उसके लिए थोड़ी ना कोई हमको प्रवचन देना पड़ता है कि भाई धन कमाओ धन, वो तो कमाते ही है, उसका तो मन 24 घंटे करता है, पर जितना हो सके हरि नाम बटोर लो, जितना हो सके हरि नाम को कमा लो। देहेस्तिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जायाशुतादिषु ममताम विमुंच पश्यानिशुम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को त्याग दो पिताजी, परम धर्म का आश्रय करो, सावधान हो जाओ, पहले ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक महात्मा जी उदाहरण देते हैं कि देखो भैया एक आदमी दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है ट्रेन में, तो हमारे भारत में ट्रेन की यात्रा बड़ी बड़ी आनंददायी होती है, बड़ी सुखद होती है, अब जितना मजा और ना तुमको हवाई जहाज में आएगा ना चार्टर्ड प्लेन में आएगा जितना ट्रेन में आएगा। एक उधर से आएगा चाय गरम, कोई उधर से फेंकने आएगा, कोई इधर से आएगा, तो चर्चाएँ चलती रहती हैं पूरे ट्रेन में, बैठे ट्रेन में, अब दिल्ली के स्टेशन पे बैठे, ट्रेन चली, आप अकेले बैठे थे, अगले स्टेशन पर एक नया पैसेंजर चढ़ गया ट्रेन में आपकी सीट के एकदम सामने बैठा, आपने उसका नाम पूछा, उसने आपका पूछा, दोस्ती हो गई, दोस्ती यारी में बढ़िया, आपस में सब बातें चर्चा चलते चलते भोजन की बारी आई,
आप जो घर से लाया आपने उसको खिलाया, वो जो लाया उसने आपको खिलाया, लड्डू बटे, जो घर से नमकीन लाया उसने नमकीन बांटी। अब करते करते क्या हुआ, अब एक समय जाकर के कुछ स्टेशन आगे उस पैसेंजर का आ गया डेस्टिनेशन, उतर गया वो। अब जब वो उतर रहा है तो आप उसको हाथ पकड़ के खींच के, ना ना भैया मत जा मत जा, तू मत जा, हम तेरे बगैर कैसे बोर हो जाएंगे। और वो कहेगा भैया टिकट ही यहीं तक की थी हमारी, उतरना तो पड़ेगा। सो उतर गया, अगले स्टेशन से दूसरा चढ़ गया, आपने फिर उसका नाम पूछा, उससे दोस्ती हो गई। दो ट्रेन दो स्टेशन बाद उसका गंतव्य आया, वो उतर गया। कुछ पुराने यात्री उतरते गए, कुछ नए यात्री चढ़ते गए, यात्रा चलती गई चलती गई। और अब अंत में किसका स्टेशन आ रहा है, हमारा, हमारा स्टेशन, नेक्स्ट जो स्टेशन है वो हमारा है। अब हमें क्या करना चाहिए, तैयारी शुरू, बैग बैग इकट्ठे करो, तैयार हो जाओ, अगला स्टेशन मंजिल आने वाली है। लेकिन अगर तैयारी नहीं करी और अगले स्टेशन पर जाकर के भी अड़े रहे कि नहीं 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 हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा तो तुमसे इतना मन लग गया, हम तो तुम्हारे संगी, अगर नहीं उतरेंगे तो महापुरुष कहते भैया तुम नहीं उतरोगे तो वो काला कोट वाला आएगा, टीसी जो बोलते हैं ना, वो पकड़ के उतारेगा, भाई टिकट ही तुम्हारी यहां तक थी, इससे आगे अलाउड ही नहीं हो तुम, कितना भी रो धो लो। तो मतलब भैया जीवन की यही यात्रा है, जीवन की यात्रा शुरू होते ही पहले स्टेशन पर पहला यात्री मिला, माँ माता, उससे परिचय हुआ, पिता दूसरा यात्री, फिर यात्रा आगे बढ़ी, भाई बहन हो गए, नए यात्री आ गए। नए यात्री आए तो एक आध पुराने वालों का स्टेशन आ गया, दादाजी चले गए, उनकी टिकट यहीं तक थी, सुबह चले गए। फिर और आगे बढ़े, ब्याह हुआ, पत्नी आई, एक और नया पैसेंजर आ गया, एक और नया यात्री सवार हो गया, नया आया तो पुरानों का स्टेशन आ गया, पिताजी चले गए, पुराने जाते जा रहे हैं, नए चढ़ते जा रहे हैं, जीवन यात्रा चलती जा रही है चलती जा, जिसका स्टेशन आए उतरना तो पड़ेगा, आप कितना भी हाथ पकड़ लो भैया तुम मत जाओ, छोड़ के जाना तो पड़ेगा। और फिर एक दिन हमको पता लग जाए कि अब कुछ समय बाद हमारा स्टेशन आ रहा है, अब क्या करना है, बैग पैक चालू कर दो, तैयारी शुरू कर दो कि कभी भी स्टेशन आ सकता है, कभी भी उतारा आ सकता है। वैसे तो देखो जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई किसी भी समय गारंटी नहीं, पर 50 के बाद तो मतलब थैला एकदम तैयार होना चाहिए, बैग एकदम तैयार होना चाहिए, कब कब स्टेशन आ जाए कोई भरोसा नहीं। अब अगर नहीं उतर रहे तो टिकट आ गई, डेस्टिनेशन आ गया हमारी, वहां पर मंजिल आ गई। अब वहां पर आने के बाद भी अगर कोई आदमी बोले हम नहीं जाएंगे, हम दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, तो फिर काला कोट वाला आएगा। काला कोट वाला कौन, बोले यमदूत आएंगे फिर खींच के ले जाके, बेटा टिकट यहीं तक थी, इससे आगे तू जा ही नहीं सकता, जिसकी जहां तक की टिकट है वो वहीं तक जाएगा। इसलिए मंजिल के आने से पहले तैयारी का होना बहुत आवश्यक है। जिसने तैयारी कर ली वो जीवन को समझ गया। ये तैयारी का मौका भगवान सबको देते हैं, सबको चांस देते हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। भागवत भी तैयारी है, ये जो भागवत हम सुन रहे हैं ना, ये भी उस मंजिल तक पहुंचने की ही तैयारी है कि कब भगवान बुला ले, कब हाथ पकड़ करके कह दें कि आ जा। कुएं में आदमी गिरता है तो गिरने वाला नहीं कुछ कर सकता, पर ऊपर वाला जो है वो तो रस्सी फेंक सकता है। तो भगवान से भी कही, हम तो कुएं में गिरे पड़े लोग हैं, इस संसार में फेंक दिया आपने, पड़े हैं यहाँ पर,
हम नहीं तुम तक पहुंच सकते, पर तुम तो हम तक पहुंच सकते हो, तुम तो रस्सी डाल सकते हो, तुम रस्सी डाल करके इस भव कूप से हमको बाहर तो निकाल सकते हो। और जब दिल से जिस दिन भगवान तक ये पुकार हमारी पहुंच गई, उस दिन वो कृपा की रस्सी भी फेंकने में देर नहीं करेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भगवान के पास जाओ, बस कृपा मांगो और कुछ मत मांगो, कृपा दो, अपनी कृपा दो। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। तो कृपा का एक कण मांगो, वो कब रस्सी डालने कुछ नहीं पता। और ये सात दिन जो है ना, ये सात दिन उनकी कृपा की उस रस्सी का ही इंतजार करना, उस कृपा की रस्सी फेंकने का ही इंतजार करना है। और सात दिन में रस्सी नहीं फेंकी तो कौन सी दुनिया भाग रही है, अगली बार फिर सुनेंगे। हम तो सात दिन छोड़ो, सात साल की उम्र से ही इंतजार में है। सात साल की उम्र से कतार आरंभ करी तब तो कुछ भी नहीं पता था, पर जब से थोड़ा बहुत समझदारी आई तब से इसी प्रतीक्षा में है कि पता नहीं कौन सी सात दिन की कथा में कब रस्सी फेंक दे, क्या पता। हर जैसे कहते हैं ना, हर हम जो माला करते हैं, गुरुदेव कहते हैं 16 माला जाप करनी है, तो हर 16 माला जो हमने जाप करी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख नाम जो जप कर रहे हैं, हर नाम भगवान तक नहीं पहुंचाता, पर उन लाखों में से कोई एक नाम रटते 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 एक नाम निकलेगा दिल से, और जब वो एक निकलेगा वो वहाँ तक ले करके जाएगा, वो वहाँ तक पहुँचाएगा। तो वैसे ही बस हम भी उनके चरणों में गाते रहते हैं हर बार हर बार, कब कौन सी कथा में कौन सा एक भाव जाके उनके मन को भा जाए क्या पता, और क्या पता रस्सी डाल दे कि चलो आओ स्वागत है तुम्हारा। तो श्री गोकर्ण महाराज अपने पिता को कहते हैं कि हे पिताजी, ये मोह को त्याग दो, ये मत सोचो कि आपके बगैर फिर कौन क्या रहेगा, आप अपने बारे में सोचो, जाओ भजन करो। तो श्री आत्मदेव महाराज निकल गए वन में, भजन करते करते भगवत प्राप्ति करी है। गोकर्ण महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए भागवत श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। पुराण कहती हैं कि धुंधकारी एक बहुत बड़ा प्रेत बना था, प्रेत का उद्धार आसान नहीं होता, वो भी ब्रह्म राक्षस की योनि बड़ी भयानक योनि होती है, भटक रहा था। और उस समय उसके उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा कराई और इसने बैठ के 7 दिन सुनी। बैठ नहीं सकता था तो बांस में बैठा, बांस में बैठ करके सुनी, और 7वें दिन विमान आया, विमान बिठा करके धुंधकारी को भगवत धाम लेकर के जाता है। गोकर्ण महाराज ने प्रश्न भी किया कि भाई सुनने वाले हजारों और विमान अकेला, ये तो बात जची नहीं। दूतों ने कहा महाराज, सुनना और डूबना ये दोनों में फर्क होता है, सुन तो कोई भी लेता है लेकिन उसको आचरण में केवल धुंधकारी लाया, इसलिए अगली बार कथा कराओ, अगली बार फिर भगवान का आदेश है कथा होगी, सबके लिए विमान आएगा। और अगली बार सचमुच कथा हुई, सबके लिए विमान आया, सब विमान में बैठ करके भगवत धाम गए। ऐसी पुण्य पवित्र पावनी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से धुंधकारी का उद्धार हुआ। तो 2 उदाहरण दिए गए हैं भागवत जी में, जिनसे समझाने का प्रयास किया है कि भागवत कोई किताब, कोई कहानी, कोई हिस्ट्री ये सब नहीं है, भागवत साक्षात भगवान है। ऐसी भागवत जी हमें प्राप्त हुई है, इसका मतलब साक्षात हमें भगवान प्राप्त हुए हैं।
आगे भागवत श्रवण की विधि भी बताई है, कथा सुनने की विधि क्या होनी चाहिए। वैसे तो भागवत में बहुत छूट दे दी गई है, देखो इतनी बड़ी छूट आपको कहीं मिलेगी कि तुम जमीन पे नहीं बैठ सकते तो लोग कुर्सियों पे बैठ जाओ, तुमको गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, ठंड लग रही हीटर चला लो, कथा में प्यास लग रही पानी जल पी लो। इतनी छूट मिली है कली काल में और फिर भी लोग कहते कलयुग बड़ा बुरा है। बुरा नहीं, कितना बढ़िया युग है। आप प्रभु कहते इस कलयुग में लाख कमियां पर एक सबसे बड़ा गुण यही है, बस तुम यहाँ बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम को पकड़ लो, ये तुमको सब कमियों को दूर कर देगा। तो इसलिए ये युग कोई साधारण युग नहीं है, ये बड़ा अद्भुत युग है। भक्तमाल जी में नावा जी ने लिखा कि और युगनते कमल नयन ने कलयुग बहु कृपा करी। अगर रेशो निकालोगे ना रिसर्च करके तो सतयुग में गिने चुने भक्तों के नाम याद होंगे, त्रेता में गिने चुने, पर कलयुग में ढेर भक्त हैं भगवान के, जिन पे सब पे भगवान ने कृपा करी है। तो इस कलयुग में कथा मिलना ये भगवान की कृपा है, और वो भी इतने सुंदर स्थान पर जहाँ नित्य भगवत अर्चना होती है, भगवान नाम होता है। भगवान ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना वैकुंठ में पाया जाता हूँ, पर जहाँ मेरा भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते मैं उस जगह विराजमान रहता हूँ। तो इस स्थान पर नित्य संकीर्तन होता है, प्रभु की अर्चना होती है, तो भूमि अपने आप में एक धाम है, अपने आप में पवित्र है। तो इस स्थान पर हमको भगवत कथा सुनने का अवसर मिला, ये भगवान की कृपा है। तो हम लगातार 7 दिनों तक यहाँ इस भूमि पर बैठ करके इसी प्रकार अपने श्रवण इंद्रिय, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्र को पवित्र करने का प्रयास करते रहेंगे, कथा के इस रस का हम पान करते रहेंगे। आज कथा का महत्व, प्रथम दिन, पहला दिन हम भी थोड़ा सा आज ही आए तो थोड़ा देरी हो गई, और थोड़ा पहला दिन व्यवस्था भी रहती है तो इसलिए भी थोड़ा सा, लेकिन कल से कथा का समय 3 से 6 बजे तक है, तो सब समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय पर पधारेंगे, भगवत कथा का रसपान करेंगे, आनंद लेंगे। आइए आज के सत्र को विराम करने से पहले सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे Thank you.
करके तालियों की सेवा करते हैं। महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि श्री राधे।
तो आइए आप हम सभी का परम सौभाग्य जो कि पूज्य देवी जी की अमृतमय वाणी के द्वारा आप हम सभी को प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने का प्राप्त सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आइए इसी के मध्य समस्त यजमान परिवार से निवेदन, आप सभी मंच पर आकर आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थगंधक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्नि राजायत श्रीवाके बिहारी तेरे पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः
हरि ओं एकदंदाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् मल्ले भवन मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेनां शपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां उपसर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद् भागवत महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सत गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जयति कृष्ण प्रिया राधे, जयति मधुसूदन जय